नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय पीटर के विषय ट्रेड थ्योरी की पाठ चर्चा में अंकित प्रसंग पेज और उसके प्रकार में मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। और आज का हम लोग का जो प्रसंग है वो पेंच और उसके प्रकार, इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो विषय क्या क्या है, क्या क्या चीजें आज के इस पाठ्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के पाठ्यक्रम में हम लोग स्क्रू के बारे में बात करेंगे, जिसको पेंच कहते हैं। इस तरह से भी बात चल रही थी कि पेंच तो उसको स्क्रू भी कहते हैं। यह स्क्रू या पेंच किस पदार्थों से बना होता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के फास्टनर और कौन कौन से होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग सहायता लेते हैं पार्ट्स को जोड़ने के लिए, मशीनी पार्ट्स को जोड़ने के लिए या घरेलू पार्ट्स को जोड़ने के लिए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और अगला जो हमारा है वो कितने प्रकार के, देखिए आवश्यकता के अनुसार पेंच के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो अब यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्क्रू के कौन सा प्रकार कौन सी जगह हम लोग प्रयोग करेंगे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो नट और वाशर, यानी नट और वाशर क्या क्या हो सकते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग तो नट और वाशर पे हम लोग बात करेंगे, साथ ही साथ कितने प्रकार के नट होते हैं, कौन कौन से वाशर होते हैं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। स्क्रू के प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के स्क्रू के क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हम लोग बात करेंगे। और स्क्रू के उपयोग, यानी विभिन्न प्रकार की स्क्रू के अनुसार उनके उपयोगों का भी हम लोग पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए स्क्रू अस्थायी बंधक के लिए नट एवं बोल्ट की तरह स्क्रू का भी प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रू के सिरे पर तो हेड बना होता है और शेष पूरी बॉडी पे चूड़ियां कटी होती है। जैसे आप चित्र ये देख पा रहे हैं, तो इस चित्र में आपने देखे ये एक हेड है और इसकी शेष बॉडी में, यानी पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं चूड़ियां कटी हुई है। तो ये स्क्रू की पहचान है। इसकी शनाख्त ऐसे की जा सकती है कि यदि इसके हेड और बॉडी पे पूर्ण रूप से चूड़ियां बनी है तो हम इसकी शनाख्त ऐसे कर सकते हैं कि यह स्क्रू है या पेंच है। प्रायः हेड पर कटे खांचे पर, ये तो आप देख सकते हैं कि हेड पे जो कटा हुआ खांचा है, इस खांचे पर पेचकस का प्रयोग करके और इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साकेट हेड स्क्रू को एलन के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो चित्र बने हैं ये सॉकेट हेड स्क्रू है। तो इन सॉकेट हेड स्क्रू वालों के जो हेड होते हैं उनमें एलन की का प्रयोग करते हैं। और साधारण जो खांचे कटे होते हैं इसमें आप प्लस का निशान भी हो सकता है, माइनस का निशान भी हो सकता है, तो उसके अनुसार वह हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार पेचकस का या एलन की का चुनाव करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप समझ सकते हैं कि स्क्रू का जो ढांचा है, इसका जो आकार है, इसके हेड पे के साथ साथ पूरी बॉडी में जो चूड़ियां कटी हुई हैं, उन चूड़ियों के माध्यम से पार्ट्स को, मशीनी पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने प्रकार के स्क्रू होते हैं, कौन कौन से स्क्रू होते हैं, इसको भी समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं। मटेरियल प्रकार से पहले हम लोग यह भी जानने की प्रयास करते हैं कि ये स्क्रू कौन कौन से पदार्थों से बनाए जाते हैं। देखिए सामान्य रूप से समझने वाली बात यह है कि आवश्यकता के अनुसार इन स्क्रूओं का चुनाव होगा, साथ ही साथ इन स्क्रूओं के पदार्थों का भी चुनाव होगा। लेकिन स्क्रू प्रायः लौह तथा अलौह दोनों ही धातुओं के बनाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रायः स्क्रू माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, परंतु कार्य के अनुसार कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्यूमिनियम आदि धातुओं के भी बनाए जाते हैं। माइल्ड स्टील के
शंकाकार स्क्रू जो लकड़ी के कामों में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें वुडन स्क्रू कहते हैं। जाहिर सी बात है कि यदि हम लकड़ी के कार्यों में शंकाकार स्क्रू का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें वुडन स्क्रू कहा जाएगा। उसकी क्या खासियत है, विशेषताएं क्या है, कि वो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसी तरह से, इसी प्रकार से कार्बन स्टील की जो चीज हेड स्क्रू होता है वो स्टील स्क्रू के नाम से जाना जाता है, जो कि भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्बन स्टील का जो स्क्रू है वो स्टील स्क्रू के रूप से सामान्य तौर से माना जाता है। ठीक इसी तरह से उष्मा उपचार के द्वारा केस हार्ड पर जो किए जाते हैं वह भी स्क्रू होते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रू में कौन कौन से हो गए, जिंक प्लेटेड हो गए, स्टेनलेस स्टील हो गया, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड हो गया, है ना। यदि इसमें उष्मा उपचार करने के बाद इस तरह से हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड हो गया, ब्लैक ऑक्साइड, ये भी अलग अलग तरह के उष्मा उपचार, हार्डेंड, केस हार्डेंड, जिंक प्लेटेड, स्टेनलेस स्टील, ये सब धातुओं के मिश्रण से यह स्क्रू तैयार किया जाता है। तो आवश्यकता के अनुसार हम लोग अपने स्क्रू का की धातु का चुनाव कर सकते हैं, साथ ही साथ कौन सा हमें स्क्रू लगाना है ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो किस धातु का बना है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अलग अलग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग धातुओं के स्क्रू का होना, उनका चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करते हैं कितने तरह के फास्टनर्स होते हैं, यह भी एक टॉपिक है जिसको हमें बीच में समझना है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टनर्स यानी विभिन्न प्रकार के बंधक, है ना। तो बंधक में अस्थाई बंधक की जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो नट बोल्ट हो गया, की कॉटर हो गया, पिन हो गया, स्क्रू जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्टड हो गया, इत्यादि हो गए। इस पे विस्तार से अन्य पाठ्यों में हम लोग बात करेंगे। अर्धस्थाई बंधक में सोल्डरिंग हो गया, रिविटिंग हो गया, जो कि पार्ट्स को जोड़ता है, जोड़ने में प्रयोग करते हैं। इसी तरह से स्थाई बंधक जैसे ब्रेजिंग तथा वेल्डिंग करने में जो पार्ट्स को जोड़ते हैं, है ना। इसी तरह से चूड़ीदार बंधक में कौन कौन से आ जाते हैं, चूड़ीदार बंधक में सभी प्रकार के स्क्रू आएंगे, जिसमें मशीन स्क्रू, मशीन बोल्ट, कैप स्क्रू और सेट स्क्रू इत्यादि। और गैर चूड़ीदार बंधक यानी डोवेल पिन हो गया, की हो गया, कॉटर हो गया इत्यादि, ये सारे आपके गैर चूड़ीदार बंधक में आएंगे। इसको हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए जो काम में लाया जाता है उसे फास्टनर कहते हैं। अब इसके अनुसार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं, अस्थाई, अस्थाई का मतलब टेम्परेरी, अर्धस्थाई यानी सेमी टेम्परेरी, स्थाई मतलब परमानेंट, चूड़ीदार थ्रेडेड जिसमें थ्रेड हो, गैर चूड़ीदार नॉन थ्रेडेड फास्टनर हो गए। इस तरह से विभिन्न प्रकार के फास्टनर्स हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए विस्तार से फिर से चलते हैं स्क्रू की तरफ। अब हम स्क्रू के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि स्क्रू के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वयं टैपिंग करने वाला स्क्रू, स्वयं टैपिंग, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रू होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पार्ट्स के जो चूड़ियां होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो टैपिंग में टैपिंग की लागत को खत्म करने के लिए ये बनाया गया है। तथा जहां हल्के कार्यों की असेंबली में बहुत पतले सेक्शन में की मेटल शीट पे उपयोग किया जा सकता है, और इन स्क्रू को उपयोग से बने हुए जोड़ों में कंपन नहीं होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तथा इन्हें कई बार जोड़ा तथा खोला जा सकता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी। तो ये जितने भी प्रकार के स्क्रू होते हैं इनको आवश्यकता के अनुसार खोला जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। और तीन प्रकार के स्क्रू होते हैं, थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू, थ्रेड कटिंग स्क्रू, सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू। जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की, तो टैपिंग में थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू यानी अगर हमें चूड़ियां बनानी हैं तो उस समय हम लोग थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू का प्रयोग कर लेंगे। यदि पहले से चूड़ियां हैं उनको फिनिश करना है तो थ्रेड फॉर्मिंग स्क्रू हो गया, थ्रेड कटिंग स्क्रू हो गया,
इसी तरह से सेल्फ पियर्सिंग स्क्रू हो गया। तो ये सभी स्क्रू किस कैटेगरी में आते हैं, किस प्रकार में आते हैं? स्वयं टैपिंग करने वाले स्क्रू में ये सभी स्क्रू आते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के स्क्रू बनावट तथा उपयोग को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बनावट यानी उनका आकार, उनका बनावट कैसी है, बनावट और उपयोग को ध्यान में रखते हुए, है ना, ये इसमें भी निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कैप स्क्रू, इसमें बोल्ट के समान हेड होता है। तो कैप स्क्रू आप देख सकते हैं, यह चित्र कैप स्क्रू का है और इसमें हम देख सकते हैं कि बोल्ट के अनुसार, बोल्ट के आकार का हेड है तो इसको कैप स्क्रू कहते हैं। अगला जो होता है वो सेट स्क्रू कहलाता है। किसी पार्ट्स को उसकी कैविटी में एक निश्चित स्थान पर पकड़ने के काम आता है तो वो सेट स्क्रू होता है। तो सेट स्क्रू का प्रयोग अक्सर पार्ट्स को उनकी अपनी कैविटी के एक निश्चित स्थान पर पकड़ने के काम में आता है। इसी तरह से अगला जो होता है वो कॉलर स्क्रू होता है। इसमें हेड के नीचे एक वाशर नुमा कॉलर होता है, हेड के नीचे, हेड के ठीक नीचे। जैसे ही आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह जो चित्र है ये कॉलर स्क्रू का, तो आप देख सकते हैं कि हेड के ठीक नीचे एक वाशर नुमा आकृति, वह जो है वो फोर्ज होता है, पहले से इसमें जुड़ा होता है, फोर्ज करते समय ही बना दिया जाता है। इसे अलग से वाशर की आवश्यकता नहीं होती है, उसी कॉलर स्क्रू में ही वह कॉलर के रूप में, वाशर के रूप में, वाशर नुमा कॉलर हेड के साथ फोर्स किया जाता है। ये हो गया। लास्ट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शोल्डर स्क्रू। इसमें एक और हेड तथा दूसरी ओर चूड़ियां होती हैं तथा बीच का भाग प्लेन होता है, जो कि बहुत ही समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक और हेड होता है, दूसरी ओर चूड़ियां होती हैं और बीच का थोड़ा सा भाग जो है वो प्लेन रहता है आवश्यकता के अनुसार। कहीं जैसे चूड़ी, हम नहीं ये चाहते हैं कि पूरे बॉडी में चूड़ी हो, तो उस अवस्था में हम लोग कुछ भाग छोड़ करके फिर चूड़ियां होती हैं। तो आज हम लोगों ने ये समझा है कि कैप स्क्रू हो गया, सेट स्क्रू हो गया, कॉलर स्क्रू हो गया और शोल्डर स्क्रू हो गया, जो कि समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम लोग ये जान पा रहे हैं कि विभिन्न प्रकारों के अनुसार, जैसे सेट स्क्रू आप देख सकते हैं, ये पूरा सेट स्क्रू है, एक सेट होता है पूरा, है ना, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये राउंड हेड हो गया, इसी तरह से ये पैन हेड हो गया, इसी तरह से आप देख सकते हैं ओवन हेड हो गया, ये आपका काउंटर सिंकिंग स्क्रू है, इसी तरह से काउंटर संक ओवल स्क्रू है, ये ऊपर उभरा हुआ भाग है हल्का सा, इसमें चपटा हुआ भाग है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के स्क्रूओं का प्रयोग हम लोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार, जो कि समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने क्या समझा कि ये जितने भी प्रकार के स्क्रू होते हैं आवश्यकता के अनुसार, उपयोगों के अनुसार इसकी बनावट निर्भर करती है, और जहां जैसा जैसा हमें स्क्रू की आवश्यकता होती उस हिसाब से हम चुनाव कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि विभिन्न प्रकार के स्क्रू हैं, इनका प्रयोग है, इनके प्रयोग की आवश्यकता है, इनका कुछ ना कुछ महत्व है, ये हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कितने प्रकार के नट और वाशर होते हैं, जिसका समझना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नट क्या होता है? नट एक चूड़ीदार छेद वाला धातु का एक टुकड़ा होता है, जिसे बोल्ट या स्टड पे कसा जाता है। इनके चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही सामान्यतर, बहुत ही साधारण ये होता है। बनावट के अनुसार नट कई प्रकार के होते हैं। हेक्सागोनल नट, अब आप देख सकते हैं चित्र में, यह हेक्सागोनल नट हो गया, जिसके छह साइड्स हैं, वो हेक्सागोनल नट हो गया। इसी तरह से दूसरे प्रकार का जो नट होता है वो स्क्वायर नट होता है, तो स्क्वायर नट हो गया, जिसके चार भाग होते हैं, चार किनारे होते हैं, उसको स्क्वायर नट कहते हैं। सेल्फ नॉकिंग नट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे समझना है कि यदि हमने इस नट को कस दिया
तो ये अपने से लॉक हो गया, इसीलिए इसका नाम सेल्फ लॉकिंग है। जो कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये सेल्फ लॉकिंग नट है जिसमें पहले से ही एक वॉशर साथ में लगा है। जब हम इसको टाइट करते हैं ऑटोमेटिक सामान्य रूप से ये अपनी लॉकिंग स्वयं कर लेता है। इसी तरह से टी नट हो गया, स्लॉटेड नट हो गया जिसमें स्लॉट्स कटे हुए, आप देख सकते हैं इसमें खांचे या स्लॉट कटे हैं, तो स्लॉटेड नट हो गया। विंग नट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटर के वर्कशॉप में जब हम लोग हेक्सा चलाते हैं तो हेक्सा के अंत में ये आपका विंग नट होता है जिसको अक्सर ब्लेड को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको फ्लाई नट भी कहते हैं। इसी तरह से नट होता है ना, तो ये हम लोग को समझना है कि विभिन्न प्रकार के आवश्यकता के अनुसार हम लोग नट का प्रयोग करते हैं। विंग नट है, इसी तरह से कैप नट है, आप देख सकते हैं कि इसमें टोपी नुमा आकार है तो ये कैप नट हो जाता है ना, तो कैप नट का प्रयोग हो गया। इसी तरह से आपका फ्लैंजदार नट हो गया जिसमें फ्लैंज होती है, तो वो फ्लैंजदार नट हो गया। यह वाला आप देख सकते हैं, यह वाला फ्लैंजदार नट है, यानी फ्लैंज का मतलब ऐसी आकृति, बेलनाकार आकृति, वो फ्लैंज नट कहलाती है। राउंड नट हो गया। ये जितने भी नट आप देख रहे हैं आवश्यकता के अनुसार, जहां जैसी आवश्यकता हुई, इन सभी नटों का चुनाव, वॉशरों का चुनाव ये किया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम नट का चुनाव कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है। जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात की कि हेक्सा जो होता है, हेक्सा फ्रेम, तो उसमें विंग नट का प्रयोग होता है। इसी तरह से जब पहिए या गाड़ियों के चक्के होते हैं तो उसमें स्लॉटेड नट का प्रयोग होता है। उस स्लॉटेड नट में हम क्या करते हैं कि चीरा पिन यानी स्प्लिट पिन का प्रयोग होता है, और कसने के बाद जो बोल्ट में होल होता है उसी में ये चीरा पिन, स्प्लिट पिन इस तरह से फंसा दी जाती है, और ये आपका स्लॉटेड नट का जो स्लॉट है वो उसी चीरा पिन में एडजस्ट हो जाता है, उसी में समायोजित हो जाता है। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जान रहे हैं कि थिम्बल, या आप देख सकते हैं ये थिम्बल नट है। थिम्बल नट का प्रयोग सामान्यतर आपने वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज में आपने देखा होगा, इसमें नर्लिंग होती है, नर्ल नट भी बोलते हैं, कि जिससे इसकी ग्रिपिंग, हाथ में पकड़ने का जो अनुभव होता है वो स्लिपिंग नहीं होती है, और फिर इस तरह से ये हो जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि विभिन्न प्रकार के नट और वॉशरों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे ये वॉशर की यदि हम बात करें तो जब नट और बोल्ट से दो भागों में अस्थाई रूप से जोड़ा जाता है तो नट को कसते समय पार्ट्स की सतह को खराब होने से बचाने एवं जोड़े जाने वाले पार्ट्स पर एक समान दबाव क्षेत्र के लिए वाशर प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सरल भाषा से हम लोगों ने ये समझा है कि सतह कभी खराब ना हो, इसके लिए हम लोग वाशर्स का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि जैसे अब वाशर भी कई तरह के होते हैं। प्लेन वाशर हो गया, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये हमारा प्लेन वाशर है। स्प्रिंग वाशर हो गया, स्प्रिंग वाशर का जनरली सामान्य रूप से जहाँ लॉकिंग करना होता है, लॉकिंग करते समय हम लोग स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लॉकिंग वाशर भी है, अलग से भी एक लॉकिंग वाशर होता है, जब कस देते हैं तो ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है। तो वाशर एक तरह से सतह को खराब होने से बचाने के लिए और अच्छे से नट और बोल्ट को आपस में समायोजित करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए वाशर एक माध्यम का काम करता है। और ये शीट का बनता है, चादरों का बनता है, ब्लैंकिंग पियर्सिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से ये बनता है। इसके लिए हम लोग विस्तार से अगले पाठ्यक्रम में बात करेंगे। और अगला जो हम लोग बात करते हैं वो स्क्रू, जिस तरह से आज के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने स्क्रूओं के बारे में, पेचों के बारे में पढ़ा है, तो आज यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो स्क्रू हैं उनका उपयोग क्या क्या है। सामान्य जोड़े जाने वाले कार्यों के लिए मशीन स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। कैप स्क्रू का प्रयोग वहां किया जाता है जहां एक मजबूत और अधिक सही जोड़ की आवश्यकता होती है।
सेट स्क्रू का उपयोग पुलियों की शाफ्ट पर फिसलने से रोकने के लिए तथा असेंबली को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए किया जाता है। कॉलर स्क्रू का प्रयोग पकड़ मजबूत बनाने के लिए तथा इसमें अलग से वॉशर लगाने की आवश्यकता नहीं हो इसलिए किया जाता है। ये कॉलर स्क्रू की एक बहुत ही जबरदस्त विशेषता है, जहां पे हम लोग अच्छी सी पकड़ मजबूती बनाने के लिए इनमें अलग से वॉशर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कॉलर स्क्रू में स्क्रू के हेड के साथ ही वॉशर सम्मिलित रहता है, पहले से ही फोर्ज रहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शोल्डर स्क्रू का प्रयोग स्थायी शाफ्ट के रूप में किया जाता है, जिस पर रोलर या गियर पिनियन घूमते हैं, जो कि अपनी एक विशेषता है। तो देखा आपने कितनी ज्यादा महत्व है हमारे स्क्रू का। यदि हम स्क्रूओं के महत्व को समझने में कामयाब होते हैं, इनके इनकी आवश्यकता, इनके उपयोगों, इनकी धातुओं, इनके चुनाव, इनकी विशेषताओं पे यदि हम जाते हैं, तो ये हमारे आगे के भविष्य में अवश्य ये काम आएगा। और जिस तरह से अभी हम लोगों ने विशेष प्रकार के स्क्रूओं की चर्चा की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोगों ने प्रशिक्षण के सारांश की यदि हम बात करें, तो आज हम लोगों ने चर्चा की है स्क्रू पेच का परिचय एवं परिभाषा पे बात की है, स्क्रू के पदार्थ जैसे कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल, एल्युमिनियम इत्यादि पे बात की है, स्क्रूज के प्रकार एवं टैपिंग करने वाला तथा उपयोग के आधार पे कैप स्क्रू, सेट स्क्रू पे चर्चा की है, नट, वॉशर, हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, लॉकिंग वॉशर, स्प्रिंग वॉशर, विभिन्न स्क्रूज के उपयोगों पे हम लोगों ने आज चर्चा की है। और इसी बातों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा करता हूँ आपके भविष्य में यह बहुत ही मददगार होगा। धन्यवाद।